उज्जैन शहर में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों को बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर के दुष्परिणाम और बता रहे हैं इससे होने वाली परेशानियां। उज्जैन शहर में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंच रहे हैं वार्ड और मोहल्ले में परिचय कर रहवासियों को बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर के दुष्परिणाम। वे बता रहे हैं कि इसे अपने घरों पर ना लगाएं। उज्जैन शहर के अंदर निवास करने वाले लोगों के घरों पर इन दिनों बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिजली विभाग अधिकारी कर्मचारी घर पहुंच रहे हैं आम उपभोक्ताओं के घर नए मीटर लगाने के लिए, तो वहीं इन नए मीटरों का विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी और नेता कर रहे हैं। वे जाकर आम नागरिकों को इनके नुकसान और बढ़े हुए बिजली के बिल किस प्रकार से आएंगे, इनकी जानकारियाँ और किस प्रकार से परेशानी खड़ी होगी बता रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। यह जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है और किस प्रकार से शहरवासियों के लिए यह जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है इनका नुकसान होगा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो है लगाने का नहीं है, केवल जो उपभोक्ता की जेब में डाका डालने का काम ये कंपनी कर रही है, प्राइवेट कंपनी। और जिस प्रकार से पहले मीटर जो लगे हुए पहले कुछ दिन पहले बदले वो चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। और साथ ही ऐसा षडयंत्र जो कमलनाथ जी ने 200 रुपये का जो किया था उस योजना को अभी धूमिल कर रहे हैं। साथ ही ये जो है मीटर इतना महंगा चलेगा कि बहुत फास्ट चलेगा, जिससे इसकी चीप रहेगी। और जैसे ही रिचार्ज खत्म हुआ, जैसे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाएगा ना, वैसे ही कनेक्शन बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग तो बेचारे जो है उसको जो मैसेज हो जाएगा उसको समझते ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा बोल नहीं चलाते हैं। गरीब बस्तियों में जितनी परेशानी है कि वो लोग कैसे इसका करीब खराबी अगर हो गई तो इसके 24,000 के करीब उसका खर्च आता है। इतना महंगा मीटर मतलब गरीब लोग तो बदल ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी जो है गरीबों के साथ विद्युत मंडल के लोग मीटर बदल के डाका डालने का काम कर रहे हैं, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और हम जन जागरण अभियान के माध्यम से पर्चे बांट करके लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर में जो मीटर लगे हुए हैं उनको बदल नहीं दें और जो आए उनका विरोध करें, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, किसी प्रकार कोई शासकीय कार्य में बाधा वाला वाली की कोई बात नहीं है, पूरी ताकत से उनका विरोध करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।